धीर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। 12 के लिए सब्जेक्ट मैथ, तो क्लास 12 के लिए जो हम लोग भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, इस सब्जेक्ट में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू किया था, इंटीग्रल्स, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना था। 7.2 में अगर देखा जाए तो लगभग हम लोगों ने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्व किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करना कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इंटीग्रेशन करना है 1/(x-√x)dx। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि रूट अगर 5 है तो हम लोग इसको √5 × √5 दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि √5 और √5 को गुणा करने पे 5 आएगा। दोस्तों, अगर 8 है उसको भी √8 × √8 लिखा जा सकता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि कोई भी अगर नंबर है उसको हम लोग दोबारा से 2 को √ में करके गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/(x) को क्या लिख सकते हैं, √x × √x − √x और √dx। ठीक है, देख पा रहे होंगे हम लोग यहां x को कैसे लिख दिए, √x × √x। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आगे जरूर पता चलेगा कि आखिर हम लोग इस रूल पे, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि कोई भी अगर नंबर रहेगा ना √√ में उसको दो बार तोड़ सकते हैं गुना में। वैसे ही x को तोड़ दिया √x और √x में। ठीक, चलिए फिर इंटीग्रेशन 1/, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे √x, यहां पे भी √x। तो दोस्तों √x को हम लोग यहां पे कॉमन कर लेंगे, तो √x जब कॉमन होगा तो एक वो √x बचेगा और −1 बचेगा √dx। दोस्तों ऐसा करने से फायदा क्या बना, तो ऐसा करने से फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ जरा देखिए। हम लोग कल ही सीखे थे कि उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड में टी माना जाता है, जिसको टी मानने के वजह से आपको उसका डिफरेंशिएशन सवाल में दिखना चाहिए। आपको दिखाते हैं, हम लोगों ने यहां माना √x − 1 को टी, क्या माना, √x − 1 को टी माना। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/(√x). √x का क्या होता है, 1/(√x), और 1 का कितना होता है, 0। ठीक, तो 1 से तो कोई माने मतलब नहीं है, और बाद बाकी dx। वैसे ही t का क्या होगा इधर, dt। लेकिन दोस्तों हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि क्या इसका डिफरेंशिएशन जो आया वो यहां पे है, तो बिल्कुल है, 1/√x और dx है, 2 तो नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे 2 है तो उधर भेज देंगे, तो 1/√x · dx बराबर नीचे 2 है तो उधर चल जाएगा गुना में 2dt। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा सोचने वाला है कि किसको टी मानेंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पे √x − 1 को टी माना, ऐसा मानने से इसका डिफरेंशिएशन 1/(√x) और dx, टी का dt। अब यहां पे क्या हुआ, 1/√x dx, नीचे वाला 2 को हम क्यों उधर कर दिए, क्योंकि मेरे को 2 नहीं चाहिए था, हम लोगों को 2 नहीं चाहिए था, सिवाय हम लोग यहां पे 1/√x dx था,
ऐसा ही हम लोग इसका मान निकाल दिए। अब दोस्तों ऊपर से चलेंगे, फिर से सबका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए। इंटीग्रेशन ठीक है, वन बाय रूट एक्स माइनस वन, तो रूट एक्स माइनस वन को हम टी माने तो यहां रख दीजिए वन बाय टी, ठीक है वन बाय टी। और वन बाय रूट एक्स डी एक्स, वन बाय रूट एक्स डी एक्स के जगह पे कितना टू डी टी, तो यहां पे हो गया टू डी टी। ठीक है आप देख पा रहे होंगे ना, वन बाय रूट एक्स और डी एक्स की जगह पे टू डी टी है, तो ये वन बाय रूट एक्स और इंटू में डी एक्स, इसके जगह पे टू डी टी। ऐसा करने से दोस्तों टू कॉन्स्टेंट था बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा वन बाई टी डी टी। अब वन बाई टी डी टी का मतलब क्या, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा तो लॉग टी ना, जैसे कि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, उसी तरीके से वन बाई टी का क्या होगा लॉग टी, तो टू लॉग टी प्लस में कितना सी। दोस्तों अब टी के जगह पे कितना रख देंगे, तो टी के जगह पे आप क्या माने थे रूट एक्स माइनस वन, तो यहां पे आंसर हो जाएगा टू लॉग रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहां पे आंसर करेंगे, ठीक है यहां पे आंसर उसी तरीके के फॉर्म में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, टेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन के तरफ, देखते हैं इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है और उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन के तरफ। क्वेश्चन नंबर इलेवन बोल रहे हैं इंटीग्रेशन करो भाई किसका, तो एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर कॉमा करके दिया है, एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा, ठीक है तो इसका मतलब नहीं है, कॉमा के बाद वाला से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अब यहां पे डीएक्स दे दिया, इसको इंटीग्रेशन करना है। हम ज्यादातर आपको बोले हैं पिछले क्लास में कि अक्सर दोस्तों जो रूट के अंदर होता है ना उसी को टी मानिएगा तो ज्यादा चांस रहता है। तो रूट के अंदर क्या है एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस फोर को हम लोग यहां पे क्या मान लिए टी, लेट एक्स प्लस फोर को मान लिए टी, तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना वन, सॉरी डिफरेंशिएशन ना, एक्स यहां तो डिफरेंशिएशन किया जाता है दोनों तरफ, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, फोर का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यहां पे वन इंटू डीएक्स लिख सकते हैं और यहां टी का डी टी, तो यहां हो जाएगा डीएक्स बराबर डी टी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां से एक्स का भी तो मान निकाल सकते हैं, एक्स का मान क्या होगा इधर प्लस में फोर है, उधर जाएगा तो टी माइनस फोर। आप देख पा रहे होंगे हम लोग यहां से एक्स का वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक्स है तो इस एक्स के जगह पे कितना रख दिया, ऊपर रख देंगे टी माइनस फोर, ठीक है। और बल्टा नीचे वाला को अंदर वाला का ना टी माने हैं, एक्स प्लस फोर को ना टी माने हैं, तो नीचे हो जाएगा रूट टी और डीएक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं डी टी। इस तरीके से सब जो हो गया हम लोगों को टी के फंक्शन में हो गया, सब किसके फंक्शन में टी के फंक्शन में। अब करेंगे क्या, मैथमेटिक्स के रूल है कि हम सबके नीचे रूट टी से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका हो गया टी बटा रूट टी माइनस फोर बटा रूट टी, ठीक है ब्रैकेट डी टी, ठीक ना इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां टी है, यहां पे रूट टी है, यहां पे टी के पावर वन है और यहां टी के पावर वन बाई टू है, रूट टी का मतलब वन बाई टू पावर और यहां कुछ नहीं है तो पावर कितना वन। तो जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्त, तो यहां डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा टी के पावर वन में से वन बाई टू घट जाएगा, तो कितना बन जाएगा टी के पावर वन बाई टू, यानी कि जब आधार सेम रहता है पावर अलग अलग रहता है और डिवाइड में रहता है तो घट जाता है,
तो इसको आप जब घटाओ करेंगे तो कितना आ जाएगा, t के पावर 1/2 माइनस, ये अगर टूटेगा तो t के पावर 1/2 ना, लेकिन ऊपर जाएगा तो 4 × t के पावर -1/2 dt, ठीक है। अब इसका जो है आपको इंटीग्रेशन कर देना है, अब इंटीग्रेशन किए नहीं है, आप अलग अलग तोड़िएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा तो t में आंसर आएगा, लेकिन t के जगह पे कितना रखना होगा आपको, x+4, ठीक है, क्या रखना है, x+4। तो इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं, यह एक अधूरा बना हुआ है, ये एक रफ में है, आपको ये रफ में बता दिए कि कैसे हम लोग यहाँ पे, ये रफ है कि यहाँ पे कैसे हम लोग ये लाए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आप इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, टी में आएगा और टी के जगह पे आप पुट कर दीजिएगा x+4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, x³ - 1 k^(1/3) और x^5 का इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों यहां पे देख पा रहे होंगे सवाल कैसा है, x³ - 1 k^(1/3) × x^5 × dx, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। तो यहां पे देख पा रहे होंगे कि इसको ना ऐसे सवालों को थोड़ा सा हमें माइंडेड क्वेश्चन है ये, क्या हम लोग इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, x³ - 1 k^(1/3) दोस्तों ये x^5 है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं x³ और x²² और dx लिख सकते हैं, यानी इसी 5 को मैंने क्या किया, तोड़ दिया। अब तोड़ने से फायदा क्या बना, तो देख लो क्या फायदा बना भाई, इधर हम यहां पे जो है ना मान लिए लेट कि जो x³ - 1 है ना उसको t मान लिया, x³ - 1 = t, तो x³ - 1 = अगर t मान लिया तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 बाहर आएगा, 3x² 1 का तो 0, 3x² dx और t का क्या बनेगा, dt, ठीक है। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि x² dx यहां पे तो 3x² dx नहीं है कहीं भी, 3 तो बाहर नहीं ना है, तो हम लोग यहां पे x² dx दिख पा रहा होगा, दिख रहा है ना ये चीज, x² dx गुना में है, तो x² dx गुना में है तो हम लोग क्या करेंगे, x² dx का वैल्यू निकाल लेंगे ताकि फार्मूला को पुट करने में आसानी होगा, x² dx = 3 गुना में है तो भागा में आ जाएगा dt/3। क्यों यहां 3 हटा दिया, क्योंकि 3 का हम लोगों का सवाल में था नहीं। अच्छा जब x³ - 1 को t माने हैं दोस्तों, तो यहां से x³ का वैल्यू क्या आ सकता है, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, t+1, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब क्या कीजिए, x³ - 1 को हम लोगों ने क्या माना, तो x³ - 1 को हम लोगों ने t माना है, तो इसके जगह पे क्या कर दीजिए, t⁻³ फिर इंटू, तो इंटू अब x³ है तो x³ के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, t+1, तो यहां पे रख दिया हम लोगों ने t+1, फिर इंटू x² dx के जगह पे, तो x² dx के जगह पे dt/3। दोस्तों यहां से आप देख पा रहे होंगे 1/3 तो कांस्टेंट है, 1/3 बाहर हो जाएगा, यहां पे क्या बनेगा, तो t³ = 1/3 को t से गुना कीजिए, तो t³ = 1/3 को गुना करेंगे t से, तो गुना t का मतलब t³ ना, और जब आधार अगर बराबर रहेगा तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो t³ = 1/3 + 1, यानी कि t³ 3 और 1 का एलसीएम
तीन, और तीन से तीन एक बार में कटेगा तो एक प्लस एक तिहाई तीन और तीन एकम तीन, यानी कि टी के पावर कितना, तो चार बटा तीन। तो ये गुना कर दिया, इसको जो है इससे गुना किया तो टी के पावर कितना बना, चार बटा में तीन प्लस टी के पावर वन बाई थ्री, टी के पावर वन बाई थ्री। तो टी के पावर वन बाई थ्री को वन से गुना करेंगे तो टी के पावर वन बाई थ्री, और पूरा का क्या है डी टी, ठीक है, पूरा का क्या है डी टी। तो अब जब आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो टी के पावर फोर बाई थ्री प्लस टी के पावर वन बाई थ्री दोनों को ऐड करेंगे और फिर डी टी। तो सबसे पहला वन बाई थ्री तो हम लोगों को कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा, जरा इसके बाद हम करके दिखा देते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग करेंगे कैसे। देख लो भाई, यहां ना वन बाई थ्री तो ऑलरेडी बाहर है, सबका सबका बाहर है ना। अब ये इंटीग्रेशन इसके साथ टूटेगा तो क्या बनेगा, टी के पावर फोर बाई थ्री डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी के पावर वन बाई थ्री डी टी ब्रैकेट क्लोज। जो बाहर निकल जाता है ना, क्योंकि सब चीज तो पहले ब्रैकेट में था, तो अब यहां पे वन बाई थ्री ऑलरेडी बाहर है, अब यहां पे क्या होगा तो ऊपर भी वन जोड़ते हैं तो ऊपर वन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सात बटा तीन, और नीचे भी सात बटा तीन क्योंकि फार्मूला होता है, प्लस यहां पे जोड़ेंगे तो कितना होगा टी के पावर फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री प्लस सी लगा देंगे इधर, और इसको आप अच्छे से लिखिएगा, ये सात बटा तीन है तो ऊपर जाएगा तो थ्री बाई सेवन, ये हो जाएगा थ्री बाई फोर। अब जो है टी का वैल्यू रख दीजिएगा एक्स क्यू माइनस वन, तो जहां जहां टी है वहां पे रख दीजिएगा। तो इसका आप आंसर खुद से मैच कीजिएगा, अगर मान लिया मैच नहीं भी होता है आंसर तो हमें आप जरूर भेजिएगा, हम जरूर आंसर को चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको टी में आएगा आंसर, लेकिन टी हम जिसको माने हैं उसको फिर दोबारा यहाँ पे पुट करना होता है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड टू प्लस थ्री एक्स क्यू, टू प्लस थ्री एक्स क्यू का पावर थ्री, पावर थ्री और डीएक्स, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों किसको टी माना जाए कि ऊपर वाला फंक्शन आ जाए, या फिर देखा जाए कि किसको टी मानने से हम लोगों को फायदा है। तो अंदर वाला को टी मानेंगे ना तो फायदा है, क्योंकि टू का तो जीरो और इसका हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है ना, तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, लेट टू प्लस थ्री एक्स क्यू को मान लीजिए टी, इसको क्या मान लिया टी, तो टू का कितना हो गया डिफ्रेंसिएशन जीरो, इसका कितना बन गया तो थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, थ्री थ्री जा नाइन और एक्स के पावर तीन है तो एक घट गया तो दो डी एक्स बराबर में कितना डी टी। दोस्तों यहां पे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, हमको आया है नाइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर ना हम लोग कुछ पुट कर सकते हैं, इसलिए यहां पे एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या लिखिए डी टी बटा में नाइन, डी टी बटा में नाइन। अब जो है हम लोग यहां पे आसानी से पुट कर लीजिए सबको, सबसे पहले इंटीग्रेशन, ऊपर है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ऊपर जब एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो ऊपर आप रख दीजिए डी टी बटा में नाइन, और नीचे क्या है तो टी के पावर थ्री, क्योंकि नीचे वाला इतना के जगह पे हम लोगों ने माना टी लेकिन पावर थ्री है तो पावर थ्री डाल दिया। अब देख पा रहे होंगे कि ये नाइन जो है नीचे आ जाएगा और फिर हम लोग बाहर कर लेंगे तो वन बाई नाइन तो एक्चुअली बाहर हो जाएगा, और ये टी के पावर थ्री है और ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस थ्री डी टी। तो आप जो है आगे का इंटीग्रेशन करके और टी का मान रख दीजिएगा टू प्लस थ्री एक्स का क्यू, ठीक है, तो आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा।
यानी इसका पहले इंटीग्रेशन कीजिएगा तो टी में आंसर आएगा, और टी में आंसर आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टी जिसको माने हैं उसके जगह पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है 1 बाई x log x के पावर है। ठीक है, देखिए ऐसे है 1 बाई x है और यहाँ पे log x है और पावर में क्या है m है, और फिर कॉमा करके कुछ दिया है उसका मतलब नहीं है, मतलब इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले दोस्तों किसको मानेंगे t, ताकि उसका डिफरेंशिएशन सवाल में दिया रहेगा, तो सिर्फ log x को t मानिए, log x को t मानिएगा तो 1 बाई x डिफरेंशिएशन दे रहा है, तो इसलिए यहां पे करेंगे क्या हम लोग लेट log x को मान लिए t, तो log x को जब t मान लिए तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x dx और t का dt। तो अब हम लोगों को यहां पे कैसे पुट करेंगे, तो 1 बाई x dx देख रहे हैं, 1 बाई x dx के जगह पे पुट कर दिए dt, और 1 बाई log x को हम लोगों ने माना है t, तो यहां हो जाएगा t के पावर m, m है तो m रख दिए। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं t के पावर m हुआ, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा t के पावर माइनस m इंटू डी टी, और फार्मूला क्या बोलता है कि t के पावर कुछ भी रहेगा ना उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन जब हटाना होगा तो फार्मूला यूज करेंगे, तो t के पावर माइनस m प्लस 1 और नीचे में भी बनेगा माइनस m प्लस 1 और dt खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया ना प्लस c। दोस्तों जब हम लोग यहां पे कर पा लिए तो हम लोगों को आंसर क्या आ गया, t के जगह पे कितना रखना है, t के जगह पे log x, तो यहां रख दिए log x के पावर माइनस m प्लस 1, और इसी को अगर अच्छा लगने के लिए हम लोग पहले प्लस वाला को बाद में माइनस वाला को, यानी कि 1 माइनस m लिख दिए और इसी को पहले प्लस तब बाद में, तो 1 माइनस m और प्लस c, ये भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसका हम खुद आंसर ही ला दिए हैं, लेकिन पहले प्लस वाला को लिखे हैं बाद में माइनस वाला को लिखे हैं, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है इंटीग्रेशन करो एक्स बट्टा 9 माइनस 4x² dx। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पे उसी को t मानना होता है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद सवाल में हमें दिखाई देता है, तो सबसे पहले आप नीचे वाला को एक नजर देखिए कि अगर नीचे वाला को t मानेंगे तो 9 का डिफरेंशिएशन 0 और 4x² का 4 × 8x, तो 8x डिफरेंशिएशन करके आ रहा है, लेकिन यहां पे सिर्फ x है तो 8 को हम लोग उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे वाला को पूरा को क्या मान लेंगे t, तो 9 माइनस 4x² को माना t, तो 9 का तो 0 और इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का तो माइनस रहेगा, 4 × 8x इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और x का मतलब dx और t का मतलब dt। लेकिन दोस्तों यहां पे तो ऊपर दिख रहा है x dx, यहां पे आया है -8x dx, तो हम लोग करेंगे क्या, तो इसलिए x dx के जगह पे dt/-8 नहीं लिख सकते हैं, अरे -8 गुना में था, -8 भागा में कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहां पे पुट कर लेंगे, नीचे कितना है 9 माइनस 4x², इसके जगह पे क्या कर लेंगे t, तो नीचे हो गया हम लोगों का t, और ऊपर x dx है तो x dx के जगह पे कितना रखना है dt/-8,
आप देख पा रहे होंगे ये माइनस एट नीचे आएगा तो क्या बनेगा, वन बटा माइनस एट टी क्या डी टी, और यहाँ वन बटा माइनस आठ जो है माइनस वन बटा आठ बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया अब वन बाई टी डी टी है ना, और वन बाई टी का इंटीग्रेशन, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी ना, क्योंकि हम बताए थे वन बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, उसी तरीके से वन बाई टी का यहां पे क्या बन गया लॉग टी और प्लस सी, और टी के जगह पे जो आप माने हैं यहां पे इसको रख दीजिएगा तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको सिर्फ टी के जगह पे ये चीज रख देना है। तो ये हम लोगों को कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 15। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, e के पावर 2x प्लस 3। ठीक है, e के पावर 2x प्लस 3 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है भाई। तो ये तो सबसे सिंपल है, इसका दो तरीका से हम बताएंगे, e के पावर 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मेथड वन देख लो। मेथड वन तो ये हो सकता है कि e के पावर 2x प्लस 3 है, तो ये हम लोग 7.1 एक्सरसाइज में पढ़े थे कि e के पावर x का e के पावर x होता है, तो आप e के पावर 2x प्लस 3 लिख दीजिए और बटा कर दीजिए x का गुणांक कितना है 2, तो 2 से भाग कर दीजिए और प्लस c कर दीजिए, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोगों का डायरेक्ट आंसर हो गया, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, तो e के पावर 2x प्लस 3 तो e के पावर 2x प्लस 3, x का जितना गुणांक होता है, x के जितना बगल में होता है उससे भाग कर देना होता है, भाग कर दिए आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं मेथड नंबर टू हम लोग कैसे यूज करेंगे। देखिए e के पावर 2x प्लस 3 है और इंटू डीएक्स है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या कीजिए कि जो पावर है उसको मान लीजिए t, यानी कि 2x प्लस 3 को मान लिया t, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 2x का डिफरेंशिएशन 2 ना, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का तो 0, और जिधर x रहता है उधर dx और जिधर t रहता है उधर dt। तो अब आप देखो कहीं भी 2dx नजर आ रहा है, अरे भाई कहीं 2dx तो नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ dx नजर आ रहा है, तो यहां से dx का वैल्यू निकाल दो, तो dx का वैल्यू क्या आया dt बटा में 2, समझ में आ रहा है, dx का वैल्यू कितना आया dt बटा में 2। तो चाहे आपको जो अच्छा लगे आप मेथड वन भी अपना सकते हैं, मेथड टू भी अपना सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। फिलहाल मेरे पास जगह का अभाव है तो हम इसको मिटाते हैं, आप देखिएगा इसका भी आंसर वही आएगा। अब हम लोग को क्या करेंगे आगे, तो e के पावर 2x प्लस 3 को क्या माने थे t, तो e के पावर t हो गया इंटू dx के जगह पे क्या रख सकते हैं dt बटा में 2। तो e के पावर से पहले 1/2 है ना कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लिया तो यहां बन गया e के पावर t dt। दोस्तों फार्मूला याद रखो कि e के पावर x dx था तो e के पावर x प्लस c इंटीग्रेशन का फार्मूला था, तो e के पावर t dt है तो यहां पे कोई रोक थोड़े ना सकता है e के पावर t प्लस c करने से। अब 1/2 तो 1/2 रहेगा और e के पावर t, t कितना माने थे 2x प्लस 3 प्लस c, तो बात बराबर वही ना आया, इसके बटा में ना 2 है तो e के पावर 2x प्लस 3 और बटा में 2 और प्लस में c। तो कुल मिलाकर जो आपको इच्छा अच्छा लगता है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो था हम लोगों का शॉर्ट मेथड और ये थोड़ा सा आ गया लॉन्ग मेथड में, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको जो अच्छा लगता हो। हालांकि ये ऐसे हम लोग सवाल में एक्सरसाइज 7.1 में ही पढ़े थे कि अगर ऐसा सिचुएशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको सिंपली
मेथड वन से ही करते हैं फटाफट, ताकि सॉल्यूशन इजी वे में बन सके। एक क्वेश्चन नंबर हम लोगों का था 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल रहा है इंटीग्रेशन है, ऊपर एक्स है, नीचे है ई के पावर एक्स स्क्वायर और यहां पे डीएक्स है। दोस्तों यहां पे किसको टी माना जाए, आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 2x आएगा, लेकिन एक्स तो दिख रहा है तो क्या फर्क पड़ा, एक्स तो दिख रहा है ना, टू को उधर भेज देंगे। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर को मानिए टी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और एक तरफ एक्स है तो एक्स के लिए dx और टी के लिए dt। यहां पे तो आप दिख पा रहा होगा एक्स dx नजर आ रहा है, 2x dx तो पूरा पूरा नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे यहां पे, एक्स dx बराबर dt बटा में 2। अब सबका मान यहां रख दीजिए, ऊपर एक्स dx है तो एक्स dx का मान हो गया dt बटा में 2 पूरा बटा ई के पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को माने हैं हम लोग टी, तो यहां हो जाएगा ई के पावर टी। तो देख पा रहे होंगे 2 नीचे आएगा तो क्या हो गया यहां पे 1/2 ई के पावर टी और ऊपर हो गया dt। तो 1/2 जो है कांस्टेंट बाहर निकल गया और यहां पे ई के पावर टी है तो ई के पावर टी है तो e के पावर माइनस टी और dt, ठीक है, e के पावर माइनस टी dt। यहां पे देख पा रहे होंगे हम लोग कि e के पावर माइनस टी dt है तो 1/2 और e के पावर माइनस टी dt, तो e के पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर माइनस टी का हो जाएगा e के पावर माइनस टी और t के बगल में कितना है -1, तो -1 से डिवाइड कर देंगे प्लस टी, यानी कि समझ पा रहे ना 1/2 तो बाहर था और e के पावर टी है उधर ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर माइनस टी और e के पावर माइनस टी का e के पावर माइनस टी, लेकिन t का गुणांक कितना है -1, तो -1 से भाग कर दिए प्लस में सी। अब जिसको हम लोग t माने थे उसको यहां पे रख देंगे और आंसर कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 17 था। तो क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स बटा 1+x² dx। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे जो सवाल है ना वो tan इनवर्स x ऊपर दिया है, तो जरा आप अच्छे से सोचिए कि किसको अगर हम लोग t मानेंगे तो काम बनेगा, किसको अगर t मानेंगे तो काम हम लोगों का बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन याद किए होंगे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 1/1+x² होता है। नहीं याद है तो फिर आप याद रख लीजिए फार्मूला, क्योंकि यहां डिफरेंशिएशन याद रहेगा तभी आपको इंटीग्रेशन भी चलने वाला है, नहीं तो अगर डिफरेंशिएशन खत्म समझो इंटीग्रेशन खत्म। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, लेट tan इनवर्स x को मान लिया t, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1+x² होता है और जिधर x रहता है dx और उधर dt, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे tan इनवर्स के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, e के पावर t, ठीक है, और 1/1+x² और dx, क्योंकि ऊपर तो 1 लिख सकते हैं ना, 1/1+x² इंटू dx के जगह पे क्या रख देंगे dt। तो देख पा रहे होंगे e के पावर t dt का e के पावर t प्लस टी और यहां हो जाएगा e के पावर t के जगह पे e के पावर tan इनवर्स x प्लस c करेक्ट आंसर। तो देखना पड़ता है कि हम अगर किसको t मानेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद सवाल में दिया है,
तो हम लोग इसको किसको मानेंगे टी, टैन इनवर्स को, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन, e के पावर 2x माइनस 1 बटा e के पावर 2x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब भाई इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों इसको किसी को भी t मानिएगा तो अभी हम लोग उसका डिफरेंशिएशन दिख नहीं रहा है, यानी कि आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है ना, उसको चेंज करना पड़ता है ताकि इंटीग्रेशन साफ साफ नजर आ जाए, यानी इसको डिफरेंशिएशन करने पे साफ साफ दिखे। तो सबसे पहले आप लोग ये काम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में कि जैसे मान लिया ये भागा है, ऊपर क्या है e के पावर 2x माइनस 1 को ऊपर भी हम लोग e के पावर x से भाग कर दिए, और नीचे क्या है e के पावर 2x प्लस 1 इसको भी हम लोगों ने e के पावर x से भाग कर दिया। देख पा रहे होंगे ना, ऊपर वाले में भी e के पावर x से भाग किए और नीचे वाले में भी e के पावर x से भाग किए। अब भाग करने से होगा क्या, जरा देखिए। तो भाग करवाएंगे ना तो इसके बाद जो हम लोगों को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा चीज मिलने वाला है। तो भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन e के पावर 2x है और यहां e के पावर x है, तो इसको ऊपर वाले को अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो ऊपर वाले को तोड़ेंगे तो e के पावर 2x बटा e के पावर x माइनस 1 बटा e के पावर x, e के पावर 2x बटा e के पावर x प्लस 1 बाय e के पावर x और dx, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, ऊपर से मिटाते हैं, देख पा रहे होंगे ना, इसको हम लोग माइनस था अलग अलग तोड़ दिए, प्लस था अलग अलग तोड़ दिए। अब जैसा कि आप जानते हैं ऐसा करने से फायदा कहां होगा, जरा दिखाते हैं अभी अभी समझते चलिए कि कैसे कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं। यहां e के पावर 2x है, यहां e के पावर x है, तो जब आधार अगर बराबर है, पावर अलग अलग है, तो 2x में से x घट जाएगा ना, तो ऊपर बच जाएगा e के पावर x माइनस ये नीचे x है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा e के पावर माइनस x डिवाइडेड, यहां भी 2x है नीचे x है तो क्या बचेगा e के पावर x, बीच में प्लस है, यहां पे देख पा रहे होंगे e के पावर x है, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा e के पावर माइनस x और dx। दोस्तों अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि अब जो है आप इसका मान लीजिए किसको t मानेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे नीचे वाले को t मान लीजिए, नीचे वाले को t मानिएगा ना तो इसका जो डिफरेंशिएशन करके आएगा वो खुद ऊपर वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, देख लीजिए कैसे आएगा। हम नीचे वाले को मान लिए t, e के पावर x, e के पावर माइनस x को मान लिए t, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, और प्लस e के पावर माइनस x का, तो e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस x इंटू, और माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बराबर इंटू में dx और पूरा का dt। क्यों भाई, क्योंकि e के पावर x का e के पावर x प्लस तो प्लस, e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस x, और माइनस x के वजह से कितना होगा माइनस 1, चैन रूल लगा दिए क्योंकि e के पावर माइनस x को डिफरेंशिएशन करना होगा तो माइनस x के रिस्पेक्ट में ना, और फिर माइनस x अगर ऊपर जाएगा तो माइनस x को x के रिस्पेक्ट में माइनस 1। तो कुल मिलाकर हम लोग ये लिख सकते हैं e के पावर x और प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस x, ये माइनस किस लिए, तो प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस x और पूरा का यहां पर dx और बराबर dt। आपको देख पा रहे होंगे तो ऊपर जो हो गया हम लोगों का कुल मिलाकर ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया dt, देख लो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x और dx की जगह पे dt, और बटा नीचे वाला को हम क्या माने हैं, नीचे वाले को t माने हैं, तो ये हो गया t।
इसी को दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग लेना चाहें इधर, तो 1/t dt, और 1/t का मतलब क्या, log t प्लस सी, ठीक है, 1/t का मतलब log t प्लस सी। और यहां हम t किसको मानते हैं, तो t मानते हैं e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, तो यहां हम लोगों का आंसर हो जाएगा log के अंदर e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और प्लस में c। इस तरीके से हम लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये 19 था, 19 नंबर। चलिए अब उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। देखिए यहां पे सवाल क्या बोल रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बटा e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x और dx, ठीक है। अब यहां पे आपको बताते चले कि किसको t माना जाए तो उसका डिफरेंशिएशन साफ साफ दिखेगा। दोस्तों यहां पे ना नीचे वाला को t मानने से हम लोगों का डिफरेंशिएशन दिखेगा। यहां पे लेट मान लीजिए e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x को मान लीजिए t, तो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e के पावर 2x का e के पावर 2x होगा और इनटू 2x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 प्लस, वैसे ही यहां पे e के पावर माइनस 2x का, तो e के पावर माइनस 2x और इनटू माइनस 2x का फिर x के रिस्पेक्ट में माइनस 2 और पूरा का यहां पे हो जाएगा dx, क्योंकि x एक तरफ वाला है तो dx और बराबर उधर t का क्या बनेगा dt। आप देख पा रहे होंगे अगर 2 यहां से हम लोग कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, e के पावर 2x प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस 2x dx बराबर dt, ठीक है, बनेगा ना। 2 यहां से और 2 यहां से कॉमन कर लिए आगे, तो e के पावर यहां 2x बच रहा है और यहां प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस 2x dx बराबर dt। दोस्तों हम लोगों को देख पा रहे ऊपर e के पावर 2x है माइनस e के पावर माइनस 2x dx है, ये 2 तो नहीं है, तो 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि इसके जगह पे e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx के जगह पे dt बाई 2 पुट कर सकते हैं, तो dt बाई 2 हो गया और नीचे इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी, तो टी हो गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टी 2 नीचे आएगा तो क्या होगा, 1/2t dt। अब जैसे कि यहां से हम लोग 1/2 अगर बाहर करेंगे तो 1/2 बाहर हो गया 1/t dt, ठीक है, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t 1/2 log t प्लस c, और t के जगह पे हम लोग ये रख देंगे, तो कुल मिलाकर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप इसके आगे कर लीजिएगा, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाता है log t और t के जगह पे आप जिसको माने हैं उसको रख दीजिएगा और प्लस c लगाना जरूरी है इंटीग्रेशन में, आप प्लस c लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का आप समझ पा रहे होंगे ये अधूरा क्वेश्चन है, यहां के बाद से आपको इंटीग्रेशन करना है और जो इंटीग्रेशन करके आएगा फिर जिसको हम लोग यहाँ पे सवाल में t माने हुए हैं वहां पे आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 कुछ इस तरीके से सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है 21 भाई, tan स्क्वायर 2x माइनस 3। देखिए tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx, यही ना,
हम आपको पहले ही बता चुके थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ठीक है, यहां पे tan स्क्वायर थीटा है। फार्मूला देखा जाए तो हम लोग पढ़े थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। कहां से भाई? तो टेंथ क्लास के फार्मूले से, टेंथ क्लास के फार्मूले से ना हम लोग ऐसा पढ़े हुए थे। अब देख लो भाई, तो यहां तो tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा अगर उधर जाएगा तो यहां बचेगा sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस वन है, इधर आएगा तो माइनस वन, और ये उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। यानी कि tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस वन रख सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या है 2x-3, तो यहां sec स्क्वायर थीटा, तो यहां लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा के जगह पे हो गया 2x-3-1 और पूरा का dx। फिर हम लोग क्या सीखे भाई कि जब प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन रहता है, ये देखिए आपको फॉर्मूला है अलग क्लास का, टेंथ का, ठीक है, टेंथ क्लास का ये फॉर्मूला है। दोस्तों यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब प्लस माइनस रहता है तो हम लोग अलग अलग तोड़ते हैं, यहां तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर 2x-3 और माइनस 1 dx, टूटेगा ना। अब sec स्क्वायर का फॉर्मूला किसका होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर का होता है tan x, sec स्क्वायर x का tan x होता है, तो यहां लिख दीजिए tan x के जगह पे तो पूरा है 2x-3, लेकिन x के गुणांक क्या है, x का गुणांक 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो हम लोग पढ़े हैं 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और प्लस सी आंसर। इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप कि यहां पे जो हम लोग आंसर कर रहे हैं वो सिंपल वे में कर रहे हैं। पहले क्या था, फार्मूला लगा दिया, sec स्क्वायर x का होता है tan x, तो यहां पे कर दिया tan x, x की जगह पे 2x-3, अब x का गुणांक 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, और माइनस यहां पे देख पा रहे होंगे कि 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 21, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21। अब देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए तो sec स्क्वायर sec माइनस 4x है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सवाल सीधा सीधा बोल रहा है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x और dx। तो यहां पे तो देख पा रहे होंगे कि sec स्क्वायर का सीधा सीधे किसका होता है, sec स्क्वायर x का। आपको याद होगा कि sec स्क्वायर x dx का होता है tan x प्लस c, ये फार्मूला। तो sec स्क्वायर x के जगह पे tan x लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर 7-4x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 7-4x, ठीक है, और x का गुणांक कितना है, -4, तो यहां पे -4 से डिवाइड कर दिए और प्लस c। इस तरीके से हम लोग वन वर्ड में आंसर इसका कर दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था, हम लोग इसको पहले वाला रूल से बना रहे हैं और जो कि इजी होता है, नहीं तो देख पा रहे हो इसका मेथड 2 बन सकता है कुछ लेट मानकर, तो जो चीज इजी वैसे आसानी से बन जाए तो उसको हम लोग ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस तरीके से बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1-x2, ठीक है। तो इसमें ना एक फॉर्मूला
छूटा हुआ है जो कि हम लोगों को नोट करना पड़ेगा. इट मीन्स कि इंटीग्रेशन कॉस्टेक्स कॉर्टेक्स और एक मिनट 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें हम लोगों को जो फॉर्मूला लगेगा साइन वर्स एक्स. अच्छा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं. हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स. ठीक है, सबसे पहले यहां पे देखा जाए तो किसको टी मानेंगे? लेट साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे. क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है. रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है. किसको टी मानने पर? तो साइन इनवर्स एक्स को. ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पे देखा जाए तो साइन इनवर्स एक्स बराबर टी. इसको टी मान रहे. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान रहे? टी. ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स को टी मान रहे हैं तो यहां साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या? डीएक्स. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू क्या? डीटी. आप तो पता चल गया पूरा कि हम लोग कर क्या रहे हैं. साइन इनवर्स एक्स और डीएक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स को हम माने हैं टी तो ऊपर रख दिया टी इंटू वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, यानी डीएक्स बटा इतना कर दीजिए डीएक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे डीटी. डीटी हो गया. अब टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो टी के पावर कुछ नहीं है तो वन, और वन में वन जोड़ेंगे तो होगा टू, तो टी के पावर टू बाय टू प्लस में सी. अब टी किसको माने हैं? तो टी हम लोग माने हैं साइन इनवर्स एक्स को. तो यहां होगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बट्टा में टू प्लस में सी. ये हम लोगों का करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये 23 का हम लोगों का आंसर हुआ. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि क्वेश्चन नंबर टोटल 39 है तो शायद आज तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट, लेकिन फिर भी हम लोगों का आगे बढ़ते रहना काम है. आगे हम लोग बढ़ेंगे जहां तक भी कंप्लीट हो सके. ये 23 हुआ, चलिए 24 देखते हैं. 24 नंबर क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन है किसका इंटीग्रेशन भाई? टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स. टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स. ठीक है, डीएक्स. इसको हम लोग किसको टी मानेंगे ताकि हम लोगों का बात बन सके? तो ध्यान दीजिए यहां पे एक्चुअली कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स. साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स. तो क्यों ना नीचे वाले को हम लोग टी मान लेते हैं ताकि ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो हम नीचे वाले को टी मानेंगे. नीचे वाला क्या है? तो सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स को मान लिए टी. लेट मतलब माना. ठीक है, अब यहां पे सिक्स बाहर हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस फोर बाहर हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और पूरा का डीएक्स और उधर है डीटी टी, तो डीटी. अब यहां से देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को बन क्या रहा है, तो माइनस सिक्स साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स डीएक्स डीटी. ठीक है, हम लोगों को ऊपर क्या चाहिए? तो टू कॉस एक्स थ्री साइन एक्स चाहिए, और ये चीज माइनस में चाहिए, ये प्लस में चाहिए. तो क्यों ना इसको पहले प्लस वाला को लिखेंगे बाद में माइनस वाला को लिखेंगे,
लेकिन दोस्तों ऊपर जो हम लोगों को चाहिए टू और थ्री चाहिए, इसके वजह से यहां और यहां से हम लोग टू को बाहर कर लिए। तो यहां पे टू को बाहर करेंगे तो बचेगा क्या, पहले प्लस वाला को लेते हैं तो टू कॉस एक्स बचेगा और ये माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ध्यान दिया जाए दोस्तों अब तो हम लोग पूरा का पूरा ऊपर वाला मिल रहा है, देख लो भाई टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स, इसके जगह पे हम लोग डी टी नहीं क्योंकि यहां टू था तो टू नीचे चला जाएगा। क्यों टू को हम लोग नीचे कर दिए, क्योंकि टू को यहां पे हम लोग बाहर नहीं था। अब यहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे ऊपर इतना के जगह पे टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी बाई टू रख सकते हैं, ऊपर रख दिया डी टी बाई टू और नीचे कितना है इसी को ना माने हम लोग टी, तो नीचे हो गया टी। तो कुल मिला के इंटीग्रेशन टू नीचे आएगा तो क्या होगा वन बाय टू टी डी टी और वन बाय टू को हम लोग बाहर निकल जाएगा तो यहां पे वन बाय टी डी टी, तो वन बाय टू तो वन बाय टू हो गया और वन बाय टी का इंटीग्रेशन, वन बाय टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। ठीक है अब हम लोगों को ये आंसर फिलहाल आया नहीं है, टी के जगह पे कितना रखेंगे जो माने हुए हैं, तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा इस टी के जगह पे इसको रख दीजिएगा और सब चीज वही। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 24 रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। सबसे बढ़िया इसमें सोचने वाला बात है कि किसको टी माना जाए ताकि उसका डिफरेंशिएशन सवाल में मिलने लगे। ठीक है कभी कभी आप देख पा रहे होंगे कि सवाल में नहीं मिल रहा है तो उसको बनाना पड़ रहा है। ठीक है क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं 25। साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या है वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। दोस्तों अब किसको टी माना जाए ताकि हम लोगों का काम बन जाएगा, तो देख पा रहे होंगे वन का डिफरेंशिएशन जीरो लेकिन टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भाई वन बाई कोस स्क्वायर है, तो वन बाई कोस स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले जाकर सेक स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसको बना दिया सेक स्क्वायर एक्स बटा वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। देखिए इसको इस रूप में लिख दिए, जैसे ही इस रूप में लिख दिए तब हम लोगों को पता चलने लगा कि अच्छा भाई नीचे वाला वन माइनस टेन एक्स को टी मान लिया जाए, तो इस तरीके से वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस का तो माइनस रहेगा, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और जिधर एक्स है उधर एक तरफ डी एक्स और जिधर टी है उधर डी टी, तो इसलिए यहां से हम लोगों को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे क्या हो गया ये माइनस है तो उधर भेज दिए माइनस डी टी। क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मेरे पास है, माइनस तो नहीं है तो माइनस को हटा दिए, तो अब हम लोगों को यहां पे क्या बन रहा होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के जगह पे माइनस डी टी, तो ऊपर हो गया माइनस डी टी, नीचे वन माइनस टेन एक्स को क्या माने हम लोग टी, तो नीचे हो गया टी स्क्वायर। दोस्तों अब तो आप जान रहे होंगे ये माइनस बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के और नीचे हो जाएगा टी के पावर टू है तो ऊपर हो जाएगा माइनस टू डी टी, तो इसके बाद जो है आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, ये माइनस का तो माइनस रहेगा ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है, करने के बाद जो टी आएगा उसके जगह पे क्या रख दीजिएगा वन माइनस टेन एक्स। ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया और जो भी क्वेश्चन हम अधूरा छोड़े हुए हैं उसको आपको पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्यूशन करना है। अगर दोस्तों 25 के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा हो तो उसको छोड़ना नहीं है, अब देख लो अपना दिमाग लगाना है इसमें,
और हम आपको कुछ हद तक तो आपको समझा दिए हैं कि आखिर किसको टी मानेंगे तो हम लोगों का बात बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे हर एक सवाल में उसी को टी मानना है जिससे हम लोगों का बात बन सके, उसी को टी मान रहे जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो आएगा वो सवाल में दिख रहा है। कभी कभी नहीं दिख रहा था, देख लो अब सेक स्क्वायर लाए एक्स कहां से लाए, तो कभी कभी उसको बनाना पड़ता है और बनाकर तब उसको मानना पड़ता है, तब हम लोगों को सीधा सीधा देख पाता है, दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं और फिर पढ़ते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से। और मुझे उम्मीद है कि अगले क्लास में यह चैप्टर पूरा 7.2 एक्सरसाइज हम लोगों का खत्म हो जाएगा, तो हम लोगों को और कम बचेगा, यानी कि अगले क्लास में उम्मीद है कि ये 7.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।